वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू गाइज माई न्यू ब्लॉग. मैं कल के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए कल मैं सोई हुई थी पूरा दिन, इसलिए फिर मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई. तो आज है करवा चौथ स्पेशल, तो मम्मा कर रही है अभी कपड़े प्रेस. डुगलू बड़ा बदतमीज है तू. पता क्यों हुआ गुस्सा? बोले मेरी मम्मी को तो बिठा दिया और मेरे को गुस्सा. देखो इसका खराब करके इधर से पचोड़ पचोड़ा ही हुई है. गाइस सी इसकी बंदूक, इस बंदूक देखिया नहीं कंदिस पर खोदा था. तो मैंने बोला था आपको देख लो कितने साइज रखते हैं. आज दिखिया तो तब आने लगी इतने बंदूक पे रख दी जी. अब आ गया उस पहले गए होती है वे बड़े दिन बाद बड़े देर बाद आया हो उसको. अभी तो चूरा बनाने लगा. देखो टूट जाएगी पापे ताई की जुद तोड़ दी थी. पापा को पता है मेरा बुन्ना कैसा है. अरे मम्मी आपको डरा रहे हैं. तो गाइस मेरे मम्मा के हाथ की मेहंदी देखो. हमें दिखाओ. मेरी मम्मा सिंपल ही लगवाते हैं हर बारी. दूसरा और ये है मेरी मेरी चढ़ी नहीं है क्योंकि मैंने लिफाफे में हाथ बांध लिया था, रात को मेरे को ठंड लग रही थी. तो फिक्की फिक्की सी चढ़ी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं चढ़ी है. और मम्मी मम्मा की सूट से भी ज़्यादा डार्क है. कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है अजीब सा. हाँ जी भाभी जी. नहीं आना डुगू. दो मिनट ले चॉकलेट. शरारत होते हैं आपको चीज जी. खाए तो गाड़ी वाला ले जाएगा तेरे को खाते. आजा वापस आ तू. दीदी भी जाएगी. अच्छे लग रहे हो डुगू. मेले में प्रिंट करते फोटो खिंचवाना था. वीडियो नहीं बनाना. नहीं डुगू आ जाओ. मत कर क्या बोल रहे हो. आओ जल्दी. दो मिनट आ जाओ बेटा. मम्मा के साथ जा रहे हो. मम्मा के साथ जा रहे हो. ले जाएगा. इधर जाना हमने. इधर मंदिर जाना है. हाँ रुक मैं आंटी से रुमाल ले आती हूँ. आ चल रुमाल देना. चल तो आ तो रुमाल ले ले. बाय. डॉग के खा लिया इसका पापा. आया वो आया आ गया देख बोला. आया मुन्नू बाबा. दीदी की दी हुई पीते कभी नहीं होता. एक बार से दूसरी बार देनी चाहिए. गाइस पूजा वाले गढ़ में लगा है मिट्टी और पत्थर भरने. मंदिर बोलो मंदिर. दुए लोटे लिया खड़ा हो पहले. फोटो खिंचवाना है डुगू. मैं ऐसे मांग लू देखना. ले मुन्नू दे. अभी दो ये दो पत्थर दे आंटी को. एक एक पत्थर दे आंटी को. ये यहाँ से निकालो. पत्थर निकालो. पत्थर दो. पत्थर दे आंटी को. यहाँ से दो पत्थर ले. दो और दो. हाँ
ले तू कैसे दे। तो डुगू के पापा डुगू को छोड़ कर चले गए और ये देख रहा है। क्या हुआ डुगू? गाइज आपने लोग तो काफ़ी तरह के देखे होंगे, लेकिन इस तरह के लोग आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ भारत में, कि लोग बाल्टी में पानी डालकर बाहर बैठकर पैर धोते हैं। ऐसे तो नहीं देखा होगा आपने कि खुद ही बाल्टी में घुस जाएं और उसे रगड़े अच्छे से। तो इनसे बात करते और पूछते हैं इनकी लाइफ स्टाइल। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जानू स्टंट ब्लॉगर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू। और आप क्या करते हैं? स्टंट ब्लॉगिंग। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। तो अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बताएं हमें। ऐश करते हैं, मौज करते हैं, और क्या। ऐश की स्पेलिंग बताएंगे? क्या बचल भगे। आंटी जी दरवाजा खोलो। लो गरम आंटी गरम। मुन्नू साइमन के अंकल जी भाभी जी की हालत हो गई टाइट। किसके दवाई? नानी। नानी की? अम्मा। अम्मा की? क्या बोल रहे हो? ओह अच्छा, डिजाइन वाली स्पेशल। तो ये भाभी जी की थाली, इसमें क्या क्या है? सिंदूर, ज्योती और करवा। करवा तभी फिर तो। हाँ हमें को आइडिया बनी है क्या क्या। ठंडी में जंग लगा गाइस। और भाभी जी का चेहरा उतर गया। बहुत प्यास लगी है ना। टाइम कितना दिया है? 9 बजे। बुला लेना मेरे को। गूगल की रेट पावल प्रिंट बाद में पहले पानी का भी बोले पहले पानी का भी बाद में दादी मेरे को लेट लगो तो रही हूं। हां दुगु में जा रही हूं। बाय बाय। ठीक है बाय बाय डुगु। बाय ननु दीदी चली गई। दीदी चली गई। दीदी कहाँ है? क्या खा रहा है तू? क्या खा रहा है? मैल। रबड़ किसने दिया तेरे को? ये गंदा रखो उधर, वहां पे रख के टेबल पे। आज इसने चमचे पहने हैं। दीदी वो एप्पल देखा है तुमने जब छोटा था? कौन सा एप्पल? एप्पल है वो मामा का लड़का कुत्ता। मामा का लड़का? बोले मामा का लड़का कुत्ता है। वाह तेरे वाह, गाली भी कोई दे रहा तेरे से सीख के। हेलो गाइस कैसे हो? हैप्पी करवा चौथ।